हेलो फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। अगर आपने मूविंग इलेक्ट्रॉन चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले सभी लेक्चर्स के अपडेट आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर ऑप्टेन मिल जाए। ठीक है, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। आज का टॉपिक है NRDC, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भी एक एंटरप्रेन्योरल सपोर्ट एजेंसी है। इसका काम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका जो ध्येय है NRDC को बनाने का, वो यही है कि किस प्रकार हम अपने उद्योगों को सपोर्ट करें, किस प्रकार उद्योगों की बढ़ोतरी में हम सहायक साबित हों, ये NRDC का मुख्य कार्य होता है। NRDC, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1953 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा NRDC का गठन सन 1953 में किया गया था। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट, डेवलप एंड कमर्शियलाइज द टेक्नोलॉजीज। इसका जो मुख्य ध्येय है, जो इसका मुख्य काम था, वो था किस तरीके से हम अपने उद्योगों को प्रमोट करें, उनको डेवलप करें और उनको कमर्शलाइज करें। ठीक है, इन्वेंशंस किस प्रकार उनमें की जाएं, पेटेंट्स कैसे हम उद्योगों को, जो भी हमारा डेवलपमेंट, जो भी प्रोडक्ट हमारा बन रहा है उद्योग द्वारा, उसको कैसे पेटेंट कराया जा सके, जिससे कि देश विदेश में भी उसको जो है ख्याति प्राप्त हो सके, इसका भी काम जो है NRDC द्वारा किया जाता है। वेरियस नेशनल R&D इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जो भी आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं पूरे देश भर में, ठीक है, उनको भी ये सहायता प्राप्त करता जो है, उनके साथ मिलकर ये काम करता है। ठीक है, जिससे कि उनके द्वारा किए गए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्य को वो इंडस्ट्रीज में इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक है, यूनिवर्सिटीज एंड प्रेजेंटली वर्किंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज में जो रिसर्च वगैरह होती है, उन सबको किस तरीके से हम उद्योग के साथ जोड़ सकें, किस तरीके से हम उसे उद्योग के अंदर उसको हम इम्प्लांट कर सकें, ये काम जो है NRDC करता है और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर ये आता है। ड्यूरिंग द पास्ट 6 decades ऑफ its existence and in pursuance of its corporate goals, NRDC has forged strong links with the scientific and industrial community in India and abroad. यानी कि पिछले लगभग 60 सालों से ज्यादा से ये काम कर रहे हैं। ठीक है, और इस पूरे समय में इन्होंने जो है कि जो भी साइंटिफिक एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, उन्हें कमर्शियल एक्टिविटीज को, साइंटिफिक एक्टिविटीज को जो है उन्होंने लिंक करने का काम किया है इंडिया में भी और अब्रॉड, यानी कि बाहर विदेश में भी जिस जो भी साइंटिफिक एक्टिविटीज होती हैं, उसे किस प्रकार से इंडस्ट्रीज में लेके आए, किस प्रकार से इंडस्ट्री का जो है प्रोडक्ट जो है वो और अच्छे से अच्छा बनाया जा सके उस रिसर्च का इस्तेमाल करके, उसका काम जो है वो कौन करता है, वो करता है NRDC। इट हैज developed a wide network of research institution, academic, industry and made formal arrangements with them for the commercialization. यानी कि जो भी आपके academic institutions हैं, जो भी आपकी research institutions हैं, जो भी आपके incubation centers हैं, उनमें जो भी research and development का काम चलता है, किस तरीके से उसे industries के साथ मिला के आगे उसका commercialization करना है, वो सारा काम NRDC द्वारा किया जाता है। NRDC works for agriculture, यानी कि कृषि के क्षेत्र में ये काम करते हैं, एग्रो प्रोसेसिंग, ठीक है, केमिकल इंक्लूडिंग पेस्टिसाइड्स, यानी कि जो पेस्टिसाइड्स वगैरह जो हम कृषि में उपयोग करते हैं और जो केमिकल्स होते हैं उसमें भी ये काम करते हैं, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी ये काम करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में भी ये काम करते हैं, मेटलर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन जो है, इसमें भी ये काम करते हैं कि
इलेक्ट्रॉनिक्स की भी जो रिसर्च होती है उन्हें किस तरीके से इंस्ट्रूमेंटेशन फील्ड में इम्प्लांट किया जा सके, उसमें ये काम करते हैं। बिल्डिंग मटेरियल यानी कि बिल्डिंग मटेरियल जो आप परचेज करते हैं मार्केट से, सीमेंट परचेज करते हैं, तो जो भी सीमेंट को और स्ट्रॉन्ग और भी ज़्यादा जंग रोधक सीमेंट आपने देखा आता है मार्केट में, तो ये सब रिसर्च होते रहते हैं। ठीक है कि जंग रोधक सीमेंट की ज़रूरत है, अब सीलन ना आए ऐसी सीमेंट की ज़रूरत है दीवारों में, तो ये जो रिसर्च के काम होते हैं इनको इंडस्ट्री वालों को ये बताते हैं, इंडस्ट्री उसी पे फिर वो काम करती है, इंडस्ट्री ऐसा प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, तो बिल्डिंग मटेरियल मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि किस तरीके से बिल्डिंग मटेरियल में ये अपना काम करते हैं। मैकेनिकल फील्ड में, ठीक है, मैकेनिकल एक बहुत वास्ट फील्ड है, इसमें बहुत सारे जो आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम होते रहते हैं उन्हें ये इंडस्ट्रीज में पहुंचाते हैं। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जो आपके आ रहे हैं आजकल मार्केट में, देखिए वाईफाई अप्लायंसेस आ रहे हैं, ठीक है, आपके जो है आजकल क्या नाम है, आपके ऐसे अप्लायंसेस आ रहे हैं जैसे कि आपको जाके बटन को बंद नहीं करना है, ऑटोमेटिकली आप चाहें तो वाईफाई के थ्रू किसी भी अपने मोबाइल के थ्रू आप उसे बंद कर सकते हैं। तो ये सारे जो रिसर्च डेवलपमेंट होते हैं उनको इंडस्ट्रीज को बताते हैं कि मार्केट में इस तरीके की रिक्वायरमेंट है, इस तरीके का रिसर्च हुआ है, ठीक है, तो आप इसे इम्प्लांट कीजिए जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी जो है इंक्रीज होगी, आपका जो उद्योग है वो और भी ज़्यादा बढ़ोतरी करेगा। तो NRDC इस तरीके का काम करता है। इट हैज लाइसेंस द इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी टू मोर देन 4800 एंटरप्रेन्योर्स एंड हेल्प टू एस्टेब्लिश अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। यानी कि करीब 4800 एंटरप्रेन्योर्स को इन्होंने जो है टेक्नोलॉजी का लाइसेंस, टेक्नोलॉजी को जो टेक्नोलॉजी के लिए काम करते हैं उनको लाइसेंस प्रोवाइड किया है, ठीक है, और उनको जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज जो सूक्ष्म उद्योग हैं या जो मध्यम उद्योग हैं उनके साथ मिलकर उन्हें काम करने के लिए बढ़ोतरी, उनको जो है सहायता प्राप्त कराई है। Besides being the torch bearer in the field of technology transfer, NRDC also undertakes number of activities under its structured promotional program for encouragement and advancement of research. यानी कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तो ये काम करते ही हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तो इन्हें हर तरीके की मदद ये जो है इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन साथ साथ ये ऐसी एक्टिविटीज जिसमें कि जो हमारे कारोबारी हैं उन्हें एनकरेजमेंट का प्रोग्राम, उनकी रिसर्च जो है रिसर्च के एडवांसमेंट के प्रोग्राम्स, ठीक है, उनके लिए इंक्यूबेशन के प्रोग्राम्स, उनके लिए ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स, ये भी NRDC द्वारा जो है आयोजित किए जाते हैं। NRDC वर्क्स फॉर द प्रमोशन ऑफ इन्वेंशन एंड इनोवेशन सच एज मेरिटरियस इन्वेंशन अवार्ड, टेक्नो कमर्शियल सपोर्ट, टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर IPR प्रोटेक्शन एटसेट्रा। यानी कि ये प्रमोशन का भी काम करते हैं कि किस तरीके से जो है जो मेरिटरियस इन्वेंशन या कि जो कुछ ऐसी इन्वेंशन हुई है जो कि बहुत अच्छी हैं, जिन्हें कि अवार्ड दिया जाना चाहिए, जिन्हें कि हमें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, तो इस तरीके के कई सारे ये अवार्ड्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। टेक्नो कमर्शियल सपोर्ट्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी कि अगर कोई टेक्निकल और कमर्शियल जो है सपोर्ट चाहिए, टेक्नो कमर्शियल सपोर्ट बोला उसे, तो वो भी ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस भी ये जो है प्रोवाइड करते हैं, आपके जो उद्योग हैं जो भी कारोबारी है उनको भी ये फाइनेंशियल सपोर्ट्स का भी असिस्टेंस का भी काम करते हैं। NRDC ऑल्सो has also successfully exported technologies and service to both developed as well as developing countries. यानी कि जो भी developed countries हैं या developing countries हैं उनके लिए ये technology export का भी काम करते हैं, उन्हें technology provide भी कराते हैं, ठीक है, import भी करते हैं, export का भी काम करते हैं, उन्हें technology जो है provide कराते हैं, जो भी आपकी developing या भी developed countries होती हैं उनको वो नई नई technology जो भी research होता है उनको वो provide कराने का काम करते हैं। NRDC is recognized particularly in the developing countries as the source of reliable, appropriate technology, machine and service which are typically suitable for these countries. यानी कि जो भी developing countries होती हैं हमारी, जो कि अभी प्रगतिशील देश हैं जो हमारे, जिनमें कि लगातार निरंतर जो है बदलाव जारी है, ठीक है, जो कि अभी अपने देश को आगे ले जाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, ऐसे देशों में जो है इनको ये बहुत रिलायबल साबित होते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि देश में की डेवलपमेंट में काम हो सके, मशीन और फिर मशीन की सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं।
ठीक है, तो ऐसी कंट्रीज के लिए एनआरडीसी एकदम सुटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। एनआरडीसी का काम यही है कि किस तरीके से जो भी आपकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको कैसे टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है, और कैसे उनके उद्योग को बढ़ाने के लिए काम किया जाए। तो ये था एनआरडीसी। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। थैंक यू वेरी मच।